मैं तो थाली बैठी हूँ मेरा क्या है अभी दो घंटे लगेंगे उसको सॉल्व करने में कर लूंगी मैं आई एम शूटिंग फ्रॉम लास्ट आई थिंक थ्री टू फोर आवर्स और ये मेरे से दूर थी तो अभी इसको थोड़ा सा ना ऐसे हो रहा है प्यार सा ये ये देखो हाँ नो 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 करके कॉन्टेक्ट में जी में आ गई बट लेकिन थोड़ा मेरा मेकअप है बेबू मेकअप है

मेरे को ना पता है पता नहीं क्यों एक दो वीडियोस से ना मैं मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई इयररिंग मेरे फेस के ऊपर सूट ही नहीं कर रहा है मतलब कुछ जा ही नहीं रहा आउटफिट के साथ नहीं जा रहा मेकअप के साथ नहीं जा रहा हेयर के साथ नहीं जा रहा या पता नहीं क्या रीजन है सो एक्स वाई जेड कुछ तो हो रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है सो so, स्टार्ट करते हैं उससे पहले इफ यू गाइज वॉन्ट टू बी मोर रूबरू विद मी देन गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इयर रिंग्स एंड देन धीरे धीरे हम पेंडेंट्स पे जाएंगे ठीक है सबसे पहले इयर रिंग्स आर दीज हैं ऐसे पर्ल वाले आप देख लो बहुत सुंदर लगता हैं भाई ये बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है हर आउटफिट ओ ये अच्छे लग रहे हैं मुझे मैंने ये ट्राई नहीं करे वरना मैं ये पहन लेती ये सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं इसके साथ पहने हुए सो so, इनको आप ट्राई कर सकते हो क्वालिटी वाइज ये सच में बहुत अच्छे हैं बिल्कुल भी ऐसे चीप वाला या कलमसी क्लमसी फील नहीं हो रहा है प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सही मुझे ये पड़ गए और ये पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं चाहो तो इनको ट्राई कर लो सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड ऑल्सो सबका प्राइस यहीं कहीं स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा आई डोंट हैव फोन राइट कैन नॉट टेल यू दैट तो ये रहा वो सबसे पहला फेयर जो सबसे ज्यादा सुंदर लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा प्रिटी है एंड ये एक ट्राई तो बनता है कमिंग टू द नेक्स्ट वन आर दीज ये ना मैंने अभी आई थिंक मेरी एक वीडियो में पहने थे आई थिंक जो सबसे पहला मैंने हॉल किया था ना मीशो का इयर रिंग हॉल उसमें मैंने ये पहने थे और आप सब लोग मतलब बार बार मेरे से पूछे जा रहे थे ये जो वीडियो में इयर रिंग पहने के ये कहाँ से लिए ये कहाँ से लिए हैं इनका बताओ इनका बताओ तो ठीक है मैं बता देती हूँ सदीज so अरे यार ये भी अच्छे लगते पहने हुए शर्ट ठीक है तो ये रहे वो एयर और ये है चांद लगा देते देख सकते हो कुछ भी कलर नहीं उतरा है इन पॉल्स का बिल्कुल वैसे, के वैसे कुछ भी ब्लैक नहीं पड़ा है कुछ भी नहीं हुआ है इनको दे आर सो प्रिटी एंड दे लुक सो प्रिटी आफ्टर वेयरिंग मैं ना क्या करती हूँ अपने एयरिंग्स को ना इस टाइप के जिप, जिप, जिप वाले जो ऐसे जिप्पर वाले बैग्स होते हैं ना इनमें रखती हूँ सिक्योर करके ताकि इनको ना ये ज्यादा ज़्यादा एयर के कॉन्टेक्ट में ना आए और ये खराब ना हो सो आप भी अपने ज्वेलरी को ऐसे ही संभाल सकते हो ये कुछ ऐसे हैं प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सही थोड़े से मुझे एक्सपेंसिव पड़े ये सो मैं क्या करती हूँ इसको ना इनको ऐसे इसमें रखती हूँ और इसको जिप, 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 इसका ये जो लॉक है ये लगा देती हूँ और उसके बाद ये सिक्योर हो गए हैं अब ये कहीं मस नहीं हुए ना ही कलर जाएगा ना ही कुछ और जाएगा इस तरीके से अपनी ज्वेलरी का ख्याल रखा करो ताकि वो ब्लैक ना पड़े सो यस वर पीस कमिंग टू द थर्ड वन आर दीज सारे वाइट में है बट लेकिन सब सब ना एक दूसरे से हट के है कोई भी ऐसे सेम सा नहीं दिखेगा आपको ठीक है आई थिंक दिस इज द लास्ट वन या यारो ये जो शेल वाला होता है ना डिजाइन ये है इन पे अब देखोगे और ये ना बिल्कुल व्हाइट नहीं है दिस इज ऑफ व्हाइट कलर और ये पहनो बहुत प्यारा लगता है इट लुक सो प्रिटी आफ्टर वेयरिंग इसको ना um, बीच पे कभी जा रहे हो या फिर नॉर्मली ऐसे कैजुअली कहीं जा रहे हो गेट टुगेदर फ्रेंड्स के साथ करने तब उस टाइप की ड्रेसेस के साथ आप इसको या उस टाइप के आउटफिट के साथ आप इसको कैरी कर सकते हो बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे हल्का सा मैं बोलूंगी इसमें वेट है एज कम्पेयर टू डीज ये तो फील ही नहीं होता ये हल्का सा हैवी ऑब्वियसली यार ये है शेल इस पे चिपकाए गए हैं चिपका नहीं रखे हैं एक्चुअली ये ना तार से बांध रखे हैं तो हाँ थोड़ा सा तो वेट भाई लेगा ये बट लेकिन आर नाइस आर प्रिटी और बहुत सुंदर लगते हैं ये पहने हुए यू कैन ट्राई दम आउट

ये ना बहुत जल्दी इनका ना ये उतर जाता है मेरे एस एन वालों का उतर चुका ठीक है ये जो है ये पेस्टिंग है ये ना इसके साथ पेस्ट पता okay, लगाया, लगाया, so, yeah, like. so, um, क्या है? ये छोटे हैं स्वीट है सिंपल हैं बट येट बहुत एलिगेंट लगते हैं वेयर किए हुए बहुत ज्यादा प्यारे लगेंगे जब आप इनको पहनोगे ये देखो सच में बहुत अच्छे लगे ठीक है मेरे कहने पर ले लो ये बहुत अच्छे हैं बहुत प्यारे हैं ठीक है दीज आर दैट एंड आई लव दैम आई आई हाईली हाईली सजेस्ट यू गाइज टू ट्राई आउट मतलब इस हॉल पर सब कुछ तो बहुत अच्छे हैं सब कुछ तो ट्राई कर लो ठीक है अब बात करती है नेक्स्ट प्रोडक्ट की एंड आई हैव फ्यू पेंडेंट्स विद मी ये देखो दिक्कत थोड़े हो रही है बट है बहुत सारे मैं एक एक करके दिखाती हूँ सो द वेरी फर्स्ट वन इज दिस ये मैंने मीशो से नहीं लिया है बट मुझे ये मीशो पे मिल गया तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप वहां से ट्राई कर सकते हो एंड इट लुक्स सो प्रिटी पहना हुआ भी इन जर्नल भी अगर कोई सोने का या चांदी का बनवाना चाहे तो ये पर्टिकुलर डिजाइन बनवा सकता है बिकॉज ये सच में बहुत अच्छा लगेगा अच्छा अभी ये ना टैंगल हो रखे हैं तो एक पेंडेंट तो इसमें ये है ईविल आई वाला एंड दूसरा भी ईविल आई वाला ही है छोटे वाला ये ऐसे आता है छोटे वाले यहाँ आता है बड़े वाले यहाँ आता है तो ये पहनो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और या किसी भी आउटफिट के साथ पहन लो बहुत सुंदर लगेगा इस टाइप का ये कुछ है दिस इज दैट और ये ना वैसे तो, वैसे तो, वैसे तो अगर आपको एंटी टार्निश कहीं मिल जाए तो आप वो वाले ज्यादा प्रेफर करूंगी मैं आप लोगों को कि वो लो बिकॉज ये क्या होता है ना हमने इसको पहन लिया ठीक है अभी तो हमने इसको पहन लिया बट मान लो थोड़ी देर बाद हमें पसीना आ गया या कुछ भी हुआ तो इनका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा दे विल नॉट रिमेन सेम बट बहुत डेंटी होते हैं बहुत देख के रखने पड़ते हैं बहुत ही ज्यादा केयर एक्स्ट्रा से भी ज्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है बट यार दिस इज द फर्स्ट वन बट लेकिन मैं तो हूं ही मेरी चीजें बहुत अच्छे से रहती हैं पैक रखती मैं मैं इसको। so, हुआ क्या ना, ना उसके बाद कपड़े-कपड़े चेंज करके and I and I was like, चलो मैं एक वीडियो एडिट कर देती and मैं एडिट करने बैठी मैंने नोटिस किया कि <laughs> उसकी आवाज तो गायब होगी जो भी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देख लिया आवाज तो गई <laughs> क्योंकि मेरे माइक ने मुझे बीच में धोखा दे दिया अभी मैं बार बार चेक करी लाइट ऑन है या नहीं है कि इसकी बैटरी चली गई थी एंड लास्ट के कुछ पीसेस रहे कुछ क्या स्टार्ट ही करे थे मैंने वो दिखाने तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है अभी कपड़े चेंज कर ले कोई दिक्कत नहीं हम लोग ऐसे ही आके कर लेते हैं मेकअप मेकअप तो इज स्टिल ऑन बाकी ठीक है नो प्रॉब्लम लेट्स स्टार्ट विद दैट तो सबसे पहला आ, आ, उसके बाद जो चीजें रह गई थी ये लिटरली मैंने पैकेट्स भी उस वीडियो में ऑन करे हैं ऑन करे हैं खोल ले है यार आप लोगों के आगे बट ठीक है

इन दोनों का जॉइंट है ना वो काला पड़ गया है बट दैट्स ओके वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता सो दैट्स दैट एंड ये दोनों ही पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं इसको ना ड्रेसेस के साथ या फिर टी शर्ट्स के साथ या फिर ऐसे किसी उनके साथ पेयर कर सकते हो बहुत फ्रटी लगेंगे ये पहने हुए कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज दिस बटरफ्लाई वाला पेंडेंट आप ये बटरफ्लाई नोटिस करोगे ना तो ये ना डबलिंग है डबल बटरफ्लाई ऊपर एक छोटी सी है और नीचे थोड़ी बड़ी है सो थ्री लुक दे रही है और ये बहुत प्यारी लगती है पहनी हुई सिल्वर में है पूरा चेन बहुत अच्छी है पतली सी बिल्कुल ऐसे पता भी नहीं चलता कि गले में कुछ पहन रखा है इस टाइप का और ये बहुत सुंदर लगेगा यार पहना हुआ है लाइक अगर मेरे को कभी लाइफ में चांस मिला ना मैं चांदी की बनवाऊंगी तो ये ये बहुत प्यारी लगेगी पहनी हुई चांदी की इतनी ही पतली चेन और ऐसे ही बटरफ्लाई वाला बहुत प्रटी लगेगा ये चीज पहनी हुई आई लव इट उसके बाद बारी आती है लास्ट पीस की हमारे मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ बिकॉज अब फिर वो कहते ना एक बार में वो टूट गया मेरा मतलब ठीक है अभी, पर इट्स ओके सो ना लास्ट है दो और तो उनमें से एक पेंडेंट है ये वाला मुड़ um, गया ओके दिस रेनबो वन अरे मतलब आप ना मोस्टली देखोगे फ्लावर पहने हुए हैं बटरफ्लाई पहनी हुई है या फिर इन्फिनेटी वाला पहनते हैं मोस्टली लोग बट ये कलरफुल वाला फंक्ट वाला बहुत रेयर आप किसी को देखोगे पहने हुए पर ये बहुत सुंदर लगता है पहना हुआ आई वुड हाईलीस टू ट्राई आउट समथिंग लाइक दिस इज वेल क्योंकि स्टैंड आउट करोगे यार मतलब जो सब लोग ले रहे हैं वैसा नहीं लगेगा ये सो कैन ट्राई आउट दैट एज वेल और मेरा मेरे पास ना एक ये है ये मेरे पास पहले से है ये मैंने इससे मीशो से नहीं लिया है सो so ये ना इस टाइप का कुछ है ये देखो ई विलाये ब्लैक वाली अगर मुझे इससे सिमिलर कुछ मिल गया तो मैं दिखाऊंगी बट ये बहुत प्रिटी लगता है हम लोग नॉर्मल ई वी पहन ले या ऐसा कुछ पहन ले एक चांस होता है कि ठीक है वो दिखेगा नहीं या कुछ भी बिकॉज ऑफ दैट कलर बट लेकिन ये देखो ये तो अलग से गले में दिखता है पहना हुआ ब्लैक कलर का और बहुत सुंदर लगता है ये सो यू कैन ट्राई आउट दिस एज वेल मुझे सिमिलर इसका कुछ लिंक मिल गया तो मैं डाल दूंगी इनमें से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स का अगर मुझे ढूंढते ढूंढते कुछ कुछ ऐसा अच्छा अच्छा और सिमिलर मिला तो मैं वो जरूर डाल दूंगी आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों का इनमें से फेवरेट वाला पीस कौन सा था डू लेट मी नो इसका पार्ट टू चाहिए तो वो भी मुझे बताओ एंड नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है वो मुझे बताओ आई वुड लव टू मेक दैट फॉर यू गाइज और गेस करो कि नेक्स्ट वीडियो क्या होगी एंड आई एल सी रेस इन माई नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय सॉरी फॉर दिस गलती जो भी